नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट 2 दिन पहले एक कमेंट आया था, फाइरमेनेक्स का टेस्ट कैसे कितने पे किया जाता है और कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो डियर, ये देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लीजिए, ये फाइरमेनेक्स है। इसका प्रयोग पहले तो ये बता दें कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो लकड़ी का होता है, ये गत्था, ये आगे से पूरा स्टील का होता है, एक तरफ से ये नुकीला होता है, शार्प होता है दोनों तरफ से ही। ये काटने के लिए आगे से कोई भी वायर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी को काटने के लिए, वायरों को काटने के लिए होता है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो लोग रहते हैं उसको तोड़ने के लिए, ताला, ताले को तोड़ने के लिए इसमें, इसको उसमें फंसा करके त्रोड़ मरोड़ के इसको तोड़ा जाता है ताले को। तो अभी दूसरा हम जानेंगे कि दूसरा किस तरह का होता है। दूसरा एक लकड़ी का होता है और एक ये रबड़ किया, ये इसके ऊपर गत्था चढ़ा होता है। जो लकड़ी का होता है, दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन जो लकड़ी वाला होता है उसका प्रयोग केवल 220 तक की वोल्ट को ही काटने में करते हैं। और उसमें सावधानी ये है, ये मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले वो लकड़ी वाला ही होता था, उसका प्रयोग 220 वोल्ट तक ही काटने में करते हैं। लेकिन उसमें सावधानी होना चाहिए, हमारा कोई भी शरीर का पार्ट पानी से गीला नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो उसका डंडा है पकड़ने वाला, ये भी गीला नहीं होना चाहिए। तो उसकी सेफ्टी को देखते हुए ये मॉडिफिकेशन किया गया है। अब जानेंगे कि इसकी टेस्टिंग कितने पे होती है। इसकी टेस्टिंग डियर हर फायरमैन एक्स के ऊपर लिखी होती है कि वो इतने पे टेस्ट है। ये पुराना है, थोड़ा यहां पे घिस गया, नहीं तो मैं दिखाता आपको। ये 20,000 से लेकर, अब इसका पूरा डिटेल में बोर्ड पे आपको बताता हूं, पूरा वेट लेंथ वगैरह सब। ये देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच होती है, अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 37.5 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट होता है 2 से 2.25 पाउंड, अगर केजी में बात करें तो 900 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक, यानी 1 किलो भार का ये होता है। दूसरा, इसका टेस्ट कितने पे होता है, तो 20,000 वोल्ट से लेके 25,000 वोल्ट तक करते हैं। लेकिन इसका यूज कितने पे करते हैं, यहां पे बहुत ही बड़ा ये कंफ्यूजन है और बड़ी समझने की जरूरत है हमें। हम 20 जान करके कि 20 से 25,000 पे वोल्ट है तो कर दो काम, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता। स्टैंडर्ड बोलता है कि इसको मैक्सिमम 3 से 5,000 वोल्ट तक ही काटो, इससे ज्यादा नहीं। तो कभी भी ये देख करके आप 20,000 वाली 15,000 वाली लाइन पे मत कूद जाना, ले भी मैं तो काट दूंगा और ये काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद लकड़ी वाले का 220 तक ही करते हैं, और ये रबड़ वाला है जो, इसका 3,000 से 5,000 तक यूज करते हैं वोल्ट पे। अब इसमें सावधानी क्या क्या देख लेनी है हमें, तो सावधानी ये रहेगी जब भी हम इसका यूज करते हैं उस टाइम भी हमें ये भी देखना, ये भले ही कैसा भी है इसका भी हमें ये होना चाहिए गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फायर फाइटिंग हम करते हैं तो पानी से भिगे रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि जब ये पानी के संपर्क में आ गया तो ये भी करंट मार सकता है, क्योंकि वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिजली का अच्छा सुचालक है और वो इससे साइड इफेक्ट हो सकता है, करंट लग सकता है। दूसरा, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये ग्रीस और ऑयल वगैरह से, कारकोल वगैरह से लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए इसको बाद में, क्योंकि अगर यूज करके हमने ऐसे ही रख दिया, साफ नहीं किया, तो वो जो ऑयल, ग्रीस और कोई तारकोल के अगर इसके अंदर कण लगे तो धीरे धीरे इसका जो ये रबड़ होता है ना, इसको खराब कर देंगे
और जब ऐसे हम यू करेंगे ना तो इसके अंदर ये इसकी रबड़ उतरनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका यूज करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे। और इसका यूज कहां पे करते हैं, वायर को लाइव इलेक्ट्रिसिटी को कट करने के लिए, तालों को तोड़ने के लिए, शीशों को तोड़ने के लिए, और फायरमैन के साथ फायर फाइटिंग करते दौरान अगर कोई भी ऐसी चीज लगे कि भाई मैं इसका प्रयोग यहां पे कर सकता हूं इसको तोड़ने के लिए काटने के लिए, तो आप वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पे यूज होता है। और ये तो हो गया, और इसका टेस्टिंग भी होता है। इसको 1 साल बाद हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं इसका करंट टेस्ट करने के लिए, कितने तक ये कैपेबिलिटी है इसका। हर साल में 1 साल में एक बार इसको टेस्ट कराया जाता है, इसको इंस्पेक्शन टैग भी लगवाया जाता है सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये था फायरमैन एक्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ में जल्द लौटेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।